नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अजनाला में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार एक परिवार को मारी टक्कर, चार सदस्यों की हुई मौत। पंजाब सरकार ने हथियारों को लेकर लिया बड़ा फैसला, नई हिदायतें की जारी। राष्ट्रीय निःशुल्क कानूनी सहायता अथॉरिटी की ओर से बठिंडा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगाएगी लोक अदालत, 25 बेंच किए गए स्थापित। और अब हलचल विस्तार से। अजनाला में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां गत रात्रि एक ही परिवार के चार सदस्यों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अपने ससुराल परिवार से नौजवान अपने पूरे परिवार को लेकर घर वापस आ रहा था कि देर रात अज्ञात वाहन ने इनके मोटरसाइकिल को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिस कारण माता पिता सहित दो बच्चों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। निर्मल सेना जी, जवाई ही साडा जी, ते लड़की वड्डी है। हाँ जी, घटना हुई है। ये आमदन रस्ते विह वेख के गुरेद वाली गड्डी आई है, बस उन्हें अपने हाथ नहीं छड़िया, उन्हें अपने हाथ ही रखे गड्डी वाले ने फेरते ने, तो बहुत ज़्यादा नुकसान मौके पर हो गया। चौं जने की डैथ हो गई, चौं जी की, तो दो कन्या बच्चिया वड्डिया ने वह बचिया ने जिहड़ियां घर हैं। तो मंग करने महाराज इंसाफ चाहिए, यदा सारी संगत नूं पता जो हुंदा है, ते परचा मौके दे कटदे आ, पर ये करन पुलिस कार्रवाई करनी चाहीदी है। ते रेत महाराज चलन नहीं दी, पता नहीं कितना चलदी जे, जां चोरी चलन दी है जां रैना चलदी है। ते बलैरो गड्डियां ने ये दईयां ने खड़न, वड्डी गड्डी नहीं कोई खड़न दी, छोटियां दईयां ने। ते पुलिस महाराज हुण आ दे कार्रवाई करने करने, अजे ते कोई गलबात नहीं जी। मेरे भतीजे का विआह ही, तो विआह वेख के आन डे हैं, भतीजा जवाई ही, तो एक भतीजी ही, तो दो बच्चे हैं, एक लड़का ही एक लड़की ही। तो चौं जीजां रेते वाली गड्डी जड़ी वो मार के सुट गई उन्होंने, तो मुड़ के फिर इधरों सानू पता नहीं लगा, बाद च पता लगा साढ़े आंदे नूं अजनाले लए ने। तो सानू जरूरी मई तो दो ही बेटियां रह गई बेचारिया, तो मेहनत ही है, गरीब बहुत ज्यादा है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਅਜੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਲੱਭੀ ਆ, ਹਾਂ ਮਗਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮਗਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਮਾਈਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। राज्य में आए दिन गोलियां चलने की खबरें आती रहती हैं, इसी लेकर पंजाब सरकार ने सख्ती दिखाई है। भगवंत मान सरकार ने हथियारों को लेकर बड़े फैसले किए हैं। जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन सख्त वर्जित होगा, साथ ही हथियारों का लाइसेंस भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी कई नियम बना दिए गए हैं। सख्ती का आलम यह है कि अब आने वाले दिनों में अलग अलग इलाकों में रेंडम चेकिंग की जाएगी। बड़ी बात यह है कि पंजाबी गानों में हथियारों को प्रमोट करना बंद कर दिया गया। नशा और हथियार अब से गाने का हिस्सा नहीं होंगे। अब तक जारी सभी हथियारों के लाइसेंस की अगले 3 महीने के भीतर पूरी समीक्षा की जाएगी। कोई नया हथियार लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि डीसी व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं होते। ऐसा करने के लिए असाधारण आधार मौजूद है। राष्ट्रीय निःशुल्क के कानूनी सहायता अथॉरिटी की ओर से देश भर में नेशनल लोक अदालत लगाएगी, जिसके तहत बठिंडा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी लोक अदालत लगाएगी, जिसमें 25 बेंच स्थापित किए गए, जिसमें लगभग 12,500 केसों का निपटारा किया गया। इस मौके पर जिला सेशन जज सुमित मल्होत्रा ने बताया कि लोक अदालतों के बहुत से फायदे होते हैं, जिससे एक तो पैसा बचता है और दूसरा समय भी। इससे कि जीत और हार नहीं होती, दोनों पार्टियां खुश होती हैं, जिसकी आगे कोई अपील भी नहीं हो सकती। इसमें पहले खर्च हुआ पैसा भी वापस हो जाता है। लीगल सर्विस अथॉरिटी बठिंडा वालों अज जिला पूरे जिले असी एक लोक अदालत, नैशनल लोक अदालत लाई है। ये नैशनल लोक अदालत अज जी लग रही है, ये सारे पूरे हिंदुस्तान अज के दिन लगती है। ये नैशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर ये अंतर्गत ही लगती है। अज असी डिस्ट्रिक्ट बठिंडा च भी लोक अदालत लाई है, ये असी 25 बेंच बनाए हैं। तो
ਆਲਮੋਸਟ 12,500 ਕੇਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ 12,500 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਐਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਲਮੋਸਟ 6,500 ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅਸੀਂ 25 ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਦੂਜੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਦੀਏ, ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਖੁਦ ਹੀ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਲੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਤਰਜ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸਵਾਸਥ ਐਵਂ ਸਿਕਸ਼ਾ ਸੁਵਿਧਾਏ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਮ ਹੈ। ਵਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋ ਲੇਕਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਪਰ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਪਰ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਵਹੀ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣੇ ਕੋ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਵਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਬਾਹਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲਾਅਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ, ਆਏ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬੀਂਗ ਸਪੀਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸਿਵ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ DGP ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਏ ਦਿਨ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ 7 ਕਤਲ ਹੋਏ, 5 ਕਤਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ?
देखो फिर मैं बेनती करना, मैं मेरा जी तो करना मैं हूँ इतने सारा कुछ खोल के रख लिया थोड़े सामने, लेकिन बतौर स्पीकर मेरी कुछ सीमावा है साथ दा। मैं ना तो सरकार की वकालत कर सकता, ना विरोधी दल की वकालत कर सकता, मैं तो समझा। सो हालात यह है भी हूँ बिजनेसमैन ने इतने इन्वेस्ट किया, मतलब हालात ठीक हो रहे सर। एक पराली का हल नहीं अजे तक हुआ, लगातार काफी एफर्ट्स किए सरकार ने, पर तो लगता है कि या तो लोग नहीं, किसान समझ नहीं पा रहे या हल नहीं हो पा रहा। 1000 तो ऊपर वो किसान जिहड़े बोले वड्डे नहीं है, कोई 1000 किले की खेती नहीं करता, कोई 500 किले की खेती नहीं करता, जिहड़े कनालां दे विच खेती करते हैं, जिन्होंने पिछले 10-10, 15-15 साल तो अग नहीं लाई सी और घाटे की खेती नहीं फायदे की खेती कर रहे हैं, उन्होंने इस बार मेरे वालों भी पंजाब की विधानसभा वालों भी ते पंजाब सरकार वालों भी सम्मानित किया गया, बड़ी वड्डी गल है। नहीं तो पहला तो किसानों को गाला ही कटन दे लगे रहिंदे सी कि ऐ करदे आ। सो हुण कितने कितने कमी रही है ना, तुसीं कन्विंस ही नहीं कर सके इस किसान नूं कि बिना अग लाया भी वधिया खेती हुंदी है। जिहड़े लोग कन्विंस हो गए अज कर रहे हैं, सो हुण समां आऊगा हौली हौली तुसीं देखोगे बड़ी तेजी नाल असीं सारे बिना अग लाया खेती करांगे। पटियाला जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन जसबीर सिंह जस्सी सोहियावाला नाभा ब्लॉक के गांव सोहियावाला में पहली बार पहुंचे, जहां गांव वासियों ने गुटबंदी से ऊपर उठकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गर्व की बात है कि जस्सी सोहियावाला वहां से पढ़ लिख कर बड़े पद पर विराजमान हुए हैं। तो वही जस्सी सोहियावाला ने विश्वास दिलाया कि हर गांव और हर शहर को नुहार को बदलने से आप सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। जी मैं अपने नगर रणजीतगढ़ सोहियावाला विखे जिहड़ा चेयरमैन बनने तो बाद पहली बार पहुंचा हाँ, तो पिंड के नगर निवासियों वालों पंचायत वालों मैनू बहुत सारा मान सम्मान दिता गया, सन्मानित किया गया, क्योंकि साढ़े नगर के मैं उठ के गया तो पिंड वासियों के बहुत खुशी की लहर आ, तो पंजाब सरकार का माणयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का पिंड वासियों ने धन्यवाद करिया कि उन्होंने मैनू चेयरमैन लाया, तो मैं समुचे नगर निवासियों का पिंड वासियों का तह दिलों धन्यवाद करदा जिन्ह ने मैनू एडा वड्डा माण बख्शा। नहीं देखो पहलियां सरकारां सी जो फंड नहीं दिंदे सी इन्ने, तो उन्होंने किसी तरीके नाल ही लाउण दियां सी, तो सरकारां दे बहुते हुंदा सीगा कि घपले कर जाने, सरकारां ने समय सिर पिंडां दीआं पंचायतां नूं फंड नहीं भेजदे सी, कोई ध्यान नहीं सीगा, पर माणयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की आम आदमी पार्टी सरकार आने वाले समय के विकास पक्षों हर पिंड हर शहर के गलियां नालियां तो इलावा होर बहुत विकास के काम करेगी, तो नौजवान लिए रुजगार खेड ग्राउंड वधिया बनाऊगी। जिवें पिछे तुसीं वीडियो नाल ते ईओ नाल मीटिंग कीती आ, की हिदायतां दित्तियां ने, जिवें पहलां तां करप्शन चलदी सी, की हिदायतां जारी कीतियां? देखो अफसरां नूं यही कहा गया कि इमानदारी नाल कम करो, कर भी रहे ने, तो दूजा उन्होंने कहा गया कि जेडे आप नवें प्रोजैक्ट पिंडा शहरों से बनाने ने गलिया नालिया का कम चलते रहते हैं, होर यहोजे आप प्रोजैक्ट देखिए जिदे पिंडा का विकास हो सके, तो नौजवानों रुजगार मिल सके, नौजवानों को खेडने लिए वधिया ग्राउंड मिल सकन, तो जल्द ही जेडे पटियाले जिले के वधिया विकास कार्ज किए जाएंगे, तो सारे हलकों के पिंडा के शहर के ब्योतबंदी एक योजना तरीके जो विकास में करेंगे। देखो जब तो जाने के भी जस्सी सोहियावाला में जाने के भी चेयरमैन लाया, साढ़े पिंड बहुत खुशी की गल है, चाहे कोई अकाली दल है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, सारे रल के अज यह इतने नगर के आने के मान सत्कार किया गया, इन्हू सम्मानित किया गया। उम्मीदा होंदिया एक चौधे से बैठे पिंड कि देखते पिंड बहुत उम्मीदा ने, जाने के भी जोड़े कम कर जोड़े साढ़े कम रुके हुए हैं सारे, वो कम जाने के साथ हूँ होके साडे हल्के का इधरला एरिए का कोई बंदा चेयरमैन नहीं बने सगा, हूँ इन्हू जस्सी चेयरमैन लाया और हूँ सूँ पूरी आस है कि साढ़े हूँ मुंडा साडा चेयरमैन लग गया भी साढ़े कम भी होने। साढ़े छोटे वीर जसवीर सिंह जस्सी दे साढ़े पिंड पहुँचण ते जे आए आखदे आ ते नगर वालों असीं इन्हां दा धन्नवाद करदे आ ते उम्मीद करदे आ कि वास्ते कि साढ़े ये जो कम रहिंदे ने अधूरे ने कम पंचायतां दे उन्हां नूं पूरे नेपरे चाढ़नगे, ते असीं भी तनदेही नाल इन्हां दे साथ देवांगे, पूरा पूरा नगर इन्हां दे नाल खड़ूगा साडा, क्योंकि साढ़े पिंडों साढ़े वसनीक ने साढ़े भरा ने साढ़े च उठ के कहे ने, असीं भगवंत मान जी का बहुत धन्नवाद करते हैं कि साढ़े एक गरीब घर चौठे परिवार चो एक जिन्हें योजना बोर्ड के चेयरमैन लदना सानू इलाके साडा पिंड का ना उच्चा होया, सानू बहुत खुशी है इस चीज़ की इन्हों इत पहुँचण से मैं जी आया हाँ। धन्यवाद, सानू बहुत माण है इन्हों उत्ते भी साढ़े एक बच्चा इतों पिंड दे विचों उठ के शहर जा के अपनी योग्यता दे नाल पढ़ाई करके इस इन्ने उच्चे अहुदे ते पहुँचे,
कि जिहड़ा ये अहुदा है बहुत माण वाला है। सानू उन्हां तों बहुत उम्मीदा ने कि साडे पिंड वास्ते भी बाकी होर इलाके वास्ते भी कि तरक्की दे कम्मां दा योगदान पाउणगे अपने कोलों जिन्ना इन्हां तों वध तों वध हो सकिआ। तुसीं पार्टी बाजी तों उपर उठ के सम्मान, हाँ असीं साडा नगर जिहड़ा है इत्थे ना तां कोई एड्डी बड़ी कोई पार्टीबाजी आपस विच, सारा नगर ने पार्टीबाजी तों उपर उठ के इन्हां नूं सद के अज इन्हां नूं इन्हां दा माण कीता सन्मान किया इन्हां दा, ते असीं इन्हां दे बहुत शुक्रगुजार हाँ पिंड वल्लों नगर वल्लों भी इन्हां ने भी पिंड दे सद्दे ते साडे कोल आ के सारिआं नूं अपने भैण भाईआं नूं नवाजिआ, गल्लबात करी है सारी प्रेम सहित ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਕੇ ਏਰੀਏ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਮਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਸਤਿਕਾ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕਾ ਜਾਗਰਨ 231 ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਰਾਜਾ ਡੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਮੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਦੇਵਾ ਕੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਮੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਗਰਨ ਮੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਜੀਤ ਪਤੀਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਕਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ। ਜਾਗਰਨ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹੰਤ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਵੰਦਨਾ ਕੋ ਗਾਕਰ ਕੀ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਸਾਵਰੀਆ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਾਂ ਭਕਤੋ ਕੋ ਚਰਨੋ ਸੇ ਜੋੜ ਕਰ ਰਖਾ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਵਿਸ਼ੂ ਵਰਮਾ ਸਹਿਤ ਮਾਂ ਭਕਤ ਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਥੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੇ ਸਾਥ ਕੁਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। सभा की ओर से 14वीं वार्षिक माता की चौकी मेन बाजार बस्ती गुजा हरबंस नगर रोड में करवाएगी। इस माता की चौकी में समाज सेवक दिलीप मरवाहा टोनी ने विशेष तौर पर शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता की चौकी में गायक गगन मस्त अमृतसर वालों ने देर रात तक मां भगवती का गुणगान कर सारे क्षेत्र के भक्तिमय बनाया, जिसके बाद साहिल एंड ग्रुप ने शिव तांडव सहित विभिन्न झांकियां पेश कर सभी मां भक्तों का देर रात तक मां के चरणों से जोड़कर रखा। इसी अवसर पर विजय बब्बर, संजीव बब्बर, नन्नू दुआ, पवन कुमार, बब्बू महेंद्रता, सुमित अरोड़ा, सोनू, जतिन, राकेश कुमार, राजू, बानू, शुभम अरोड़ा, मनीष अरोड़ा, तरुण, गैरी, दीपक, मोहित, सरीन, चिराग चोपड़ा, नन्नू, ज्येष्ठ, अशोक कुमार, दीपक, सोनिया सहित असंख्य मां भक्त जन शामिल थे। जलंधर से कैमरामैन दविंदर के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। सारा परिवार पानी वाला मिलता आहा
आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य यजमान मोनिका अरोड़ा और ईश अरोड़ा ने पवित्र पावन यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य सुशील आर्य ने यज्ञ समाप्त करवाया। आर्य समाज को प्रसिद्ध भजन गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति का भजन सुनाकर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने सभी का धन्यवाद किया। यज्ञ के उपरांत लंगर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र खन्ना, रेवा खन्ना, सुनीता भाटिया, डिंपल भाटिया, ओम प्रकाश मेहता, अश्वनी डोगरा, ईश्वर चंद, रामपाल, रहमत भाटिया, रूहानी भाटिया, भूपिंदर उपाध्याय, पुष्पा देवी, अमरनाथ, कुबेर शर्मा, पूनम मेहता, गौरव आर्य, पवन महाजन, कुमार सूद, रिशु सूद, ललित मोहन कुमार, गौरव और गौरव मेहता भी मौजूद रहे। जलंधर से हलचल के लिए सुदेश भक्त की रिपोर्ट। एक दिन जो है मुझे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। लीवर खराब हो सकता है और तरह तरह की बीमारियां आ सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। तो परमपिता परमात्मा ये हमें उपदेश देते हैं कि तुझे मैंने शुभ कर्म करने के लिए भेजा था इस संसार में। तुम्हारा जीवन अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा जीवन जो है वो नियमित होना चाहिए। समय पर उठना, समय पर भोजन करना, शुद्ध भोजन करना, सात्विक भोजन करना, शरीर को स्वस्थ रखना, आलस से दूर रहना, प्रमाद से दूर रहना, अपने शरीर को श्रम देना। अगर मैं अपने शरीर को श्रम नहीं देता हूं तो मेरा शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर मैं अपने शरीर से ठीक काम नहीं लेता हूं तो मेरा शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रह सकता। तो ठीक भोजन करना, एक नियमित जीवन जीना और उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अच्छे कर्म करना। ऐसा नहीं है कि हम सारे संसार का कल्याण कर सकते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो वहाँ अमेरिका में कुछ हो रहा है तो मैं वहाँ जाकर किसी की मदद कर सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति
सारे संसार की मदद नहीं कर सकता, परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने पड़ोसी की मदद तो कर सकता हूँ, किसी बच्चे की मदद कर सकता हूँ, किसी दुखी की मदद कर सकता हूँ, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे मित्रों में, मेरे भाइयों में, मेरे बंधुओं में अगर कोई दुखी है उसका मैं दुख बांट सकता हूँ, किसी को थोड़ी सी दवा देकर दे सकता हूँ, किसी को और कुछ नहीं तो किसी को पढ़ा ही सकता हूँ, किसी को पुस्तक ही लेके दे सकता हूँ। जितना आप कर सकते हैं आप उतना ही करें, आगे समाज में तो आ ही सकता हूँ, सत्संग में तो बैठ ही सकता हूँ, ईश्वर का धन्यवाद तो कर सकता हूँ, दो समय संध्या तो कर सकता हूँ, ये हमारा धर्म है। जो कर रहा है वो अदृष्टि कौन है, वो परमपिता परमात्मा है। पिछले दिनों इतनी भयंकर बीमारी चली, एक इसी सांस के लिए जो आप देखो हॉस्पिटल में आप रह चले जाओ, जो नसली सांस चलाते हैं ना, ऑक्सीजन देते हैं, लाख रुपए बिल बना देते हैं। आप विचार करो, जब कोई बीमार आदमी उससे डॉक्टर से पूछता है कि भाई ये सांस लेने के लिए मेरे मशीन लगाई है, बिल बनाता है एक दिन का, तीन दिन का, लाख रुपया, दो लाख रुपया। स्वस्थों के घर आता तो कहता है, मैं फिर देखता है कि सांस तो मेरे को वैसे ही, पर पिता परमात्मा ने आज मेरे को तीन दिन के लिए मैंने इतना पैसा व्यय किया उस नकली सांस के लिए, लेकिन मेरे को पर पिता परमात्मा ने इतने प्राण। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अजनाला में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार एक परिवार को मारी टक्कर, चार सदस्यों की हुई मौत। पंजाब सरकार ने हथियारों को लेकर लिया बड़ा फैसला, नई हिदायतें की जारी। राष्ट्रीय निःशुल्क कानूनी सहायता अथॉरिटी की ओर से बठिंडा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगाई गई लोक अदालत, 25 बेंच किए गए स्थापित। इनके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती है, और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।